क्या लॉन्च से पहले ही महिंद्रा थार रॉक्स को कबाड़ में फेंक दिया गया? क्या महिंद्रा ने जानबूझ के ऐसा किया? और क्या ये साबित हो गया कि ग्लोबल एसयूवी फेक होता है? कुछ मामले ऐसे आए हैं आगे। और 20 साल पुरानी महिंद्रा बोलेरो ने 150 लोगों की जान बचाई कैसे, और ऐसी बहुत सारी न्यूज। लेट गेट स्टार्टेड। तो 15 अगस्त को महिंद्रा थार रॉक्स लॉन्च होने वाली है, और अभी इसकी साइड इमेजेस भी लीक हुई थी जहां पर गाड़ी हमें पूरी दिख रही थी, बहुत कूल लग रही थी। बट सोशल मीडिया पर एक ऐसी इमेज वायरल हो रही है जिसमें हमें महिंद्रा थार 5 डोर का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर फ्रंट का ऊपर का एक कबाड़ में दिख रहा है स्क्रैप यार्ड में। कुछ लोग इसे मार्केटिंग स्टंट कहते हैं, कुछ लोग टेक्निकल फॉल्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी ये करोल बाग के कुछ चोरों कपलर टू कपलर 5% डिस्काउंट, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन वाले दुकानों के कुछ जो ओनर्स हैं उनकी महिंद्रा वाले से कुछ सेटिंग है, वैसे हर ब्रांड से रहती है। उन्होंने महिंद्रा वाले से सेटिंग करके महिंद्रा थार का ऊपर का बॉडी स्ट्रक्चर पूरा मंगवा लिया ताकि आफ्टर मार्केट पार्ट्स बनाने में या फिर कहीं से बनवाने में दिक्कत ना हो, बिकॉज हमने पहले भी ऐसी बहुत सारी न्यूज़ सुनी है। करोल बाग में गाड़ी लॉन्च से पहले ही बहुत सारे उसके पार्ट्स आ जाते हैं, सो रियलिटी क्या है वो तो टाइम तो बताएगा, लेकिन शायद किसी और का अच्छा टाइम आने वाला है। सिट्रन वालों ने अपनी बसाल्ट को फुल शोकेस कर दिया, प्राइसिंग अभी नहीं आई है बट सब कुछ सामने आ गया है। ये एक मिड साइज कूपे एसयूवी होने वाली है जिसके अंदर दो इंजन आएंगे, एक हमारे 1.2 लीटर के ये भाई साहब जो कि आपको 82 बीएचपी की पावर तो देंगे, लेकिन बदले में आपको इनको हर एक 18.5 किलोमीटर पर 1 लीटर पेट्रोल पिलाना पड़ेगा, तभी ये बढ़ेंगे आगे। और दूसरे हमारे 1.2 लीटर के टर्बो भाई साहब ये आपको 110 बीएचपी की पावर तो देंगे, लेकिन बदले में आपको 14-15 किलोमीटर पर ही इनको 1 लीटर पेट्रोल पिलाना पड़ेगा, इनको पेट्रोल बहुत पसंद है। और फीचर्स वाइज आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जो जो आपको एक एवरेज गाड़ी में चाहिए वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। लुक्स वाइज भी ठीक ठाक है। मेन चीज है प्राइसिंग को लेकर, अगर 10 लाख के अंदर इसका स्टार्टिंग वाला वेरिएंट आ गया और 15 लाख से ऊपर ये ना गई तो फिर ये बहुत ऊपर जाएगी, अगर 15 लाख ऊपर गई तो फिर बहुत नीचे आ जाएगी। लेट गेट सी सिटन वाले क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर टाटा वाले ने कुछ कर दिया है। कुछ कुछ शोरूम के अंदर टाटा वाले अपनी कर्व को ले आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो और अराउंड आप मान सकते हो कि आपकी सिटी में ये एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी, एंड एक हफ्ते बाद आप लोग अपनी आंखों के सामने दी ऑल न्यू टाटा कर्व को देख पाओगे और महसूस कर पाओगे, टेस्ट ड्राइव भी ले पाओगे। लेकिन एक और चीज जो कि आपको लेनी चाहिए आगे चल के, अगर एक साल रुक पाओ तो, मत रुकना भाई बहुत लंबा टाइम है, लेकिन रुक जाओ तो ठीक है, अंडर 20 लाख सेगमेंट की बेस्ट गाड़ी लॉन्च होने वाली है। महिंद्रा B05 का इंटीरियर स्पॉट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे मस्त लग रही है, इसका स्टीयरिंग व्हील ऐसे काफी कूल लग रहा है, ऐसे पूरा जैसे जेट प्लेन का कॉकपिट हो। और यहाँ पर एक नॉब हमें दिख रहा है जिससे आप लोग अपना शायद से वो स्क्रीन वगैरह कंट्रोल कर पाओगे, और जो सीटें वगैरह ये शायद से सेकंड हैंड मटेरियल से बनी है, वेस्ट मटेरियल से, जो कि बुरी नहीं भाई अच्छी चीज है, इससे हमारा एनवायरनमेंट हमारी प्रकृति काफी ऐसे खूबसूरत होती है। और भले ही गाड़ी 20 लाख की है लेकिन इसकी लुक्स, इसके फीचर्स, इसका इंटीरियर किसी 50-60 लाख की गाड़ियों से कम नहीं होंगे। यही वो गाड़ी जो कि टाटा कर्व की भी ऐसी की तैसी कर सकती है, एकदम तगड़ी होने वाली है, जैसे कि GNCAP ने हमें तगड़ा वाला धोखा दिया। आज से कुछ साल पहले रेनॉल्ट ट्राइवर का क्रैश टेस्ट हुआ था जहां पर उसको 2 स्टार मिले थे और सबने कहा बहुत सेफ गाड़ी है, और इन लोगों ने ट्राइवर के एड पर भी काफी चीज यूज की, ग्लोबल कैप में 4 स्टार। न्यू रेनॉल्ट ट्राइवर इंडियाज सेफेस्ट 7 सीटर। बहुत अच्छी मार्केटिंग की और बहुत अच्छी बिकी बिंगी गाड़ी, लेकिन उस समय मेरे अंदर बहुत सारी वो चीज चल रही थी कि यार ये गाड़ी कैसे सेफ हो सकती है, 1000 किलो की 7 सीटर कार कैसे सेफ हो सकती है, इम्पॉसिबल। और अभी 3-4 दिन पहले फिर से इसका क्रैश टेस्ट हुआ जहां पर इसको 2 स्टार मिले, तो हम उसको और इसको क्या समझे। अब कुछ ज्ञानी लोग ज्ञान बांटने आएंगे कि यार ग्लोबल इनकैप के रूल्स और नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अब बहुत ही हार्ड टेस्ट होता है, तो और भी गाड़ियां थी उस समय टेस्ट हुई थी। सो GNCAP ने बहुत सारी गाड़ियों के क्रैश टेस्ट किए हैं, डबल बार ट्रिपल बार कहीं कहीं, वहां पर तो कोई फर्क नहीं आता, तो यहां पर इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया भाई साहब? 2 स्टार का फर्क बहुत ही बड़ा होता है, दैट मींस आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे हो, या फिर आप लोगों ने उस समय पैसे दबा लिए थे रेनॉल्ट से 4 स्टार देने के। और ग्लोबल NCAP कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया एकदम। भारत NCAP जिंदाबाद। और एक और बंदा है जिसने जिंदाबाद वाला काम कर दिया है अपने 20 साल पुरानी महिंद्रा बोलेरो से। ऐसे पूरा बाढ़ वाला एरिया था, ऐसे पूरा पानी भरा हुआ था, कहीं कहीं तो बोनट से भी ऊपर पानी जा रहा था। भाई साहब ने जो जो लोग छत पे से फंस गए थे उनको अपनी महिंद्रा बोलेरो से रेस्क्यू किया, निकाल निकाल कर रोड पर ले जा रहे थे, और ऐसे कर करके अराउंड इन्होंने 100-150 लोगों की जान बचाई, इनफैक्ट 200। और भाई यार देखो जो लोग कहते हैं ना वाटर वेटिंग कैपेसिटी इसकी ऐसी है, इसकी ऐसी है, यार इसकी तो महिंद्रा बोलेरो ने कुछ क्लेम भी नहीं की होगी उस समय, ये तो पूरा पानी में डूब गई है, इंजन वगैरह इसका पूरा पानी में चल रहा है मस्त, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो एक बात तो है, पुरानी चीजों में दम तो होता है, लेकिन एक और जगह और दम है। लाइक एंड सब्सक्राइब में मिलते हैं फिर।